नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज़ नेशन में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने लड़कियों के शादी की न्यूनतम कानूनी उम्र को बढ़ाकर पुरुषों के बराबर करने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि पहले लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल थी, लेकिन अभी से बढ़ाकर 21 साल किया जा सकता है। वहीं केंद्र इस फैसले का जहां कई लोगों ने स्वागत किया है, वहीं AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि पितृसत्तात्मकता मोदी सरकार की नीति बन चुकी है। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा, महिलाओं के लिए शादी की न्यूनतम उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव को मोदी सरकार ने मंजूरी दे दी है। ऐसी पितृसत्तात्मकता मोदी सरकार की नीति बन चुकी, इससे बेहतर करने की उम्मीद भी हम सरकार से करना छोड़ चुके हैं। उन्होंने आगे कहा, 18 साल के लोग कानूनी तौर पर अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, कारोबार चला सकते हैं, चुनाव में प्रधानमंत्री, सांसद और विधायक चुन सकते हैं, लेकिन शादी नहीं कर सकते। 18 साल की उम्र में भारत के नागरिक यौन संबंध बना सकते हैं, बिना शादी के साथ रह सकते हैं, लेकिन शादी नहीं कर सकते। 18 साल के किसी भी मर्द और औरत को शादी करने का हक होना चाहिए। कानूनी तौर पर 18 साल की उम्र के लोगों को बालिग समझा जाता है और उन्हें अपनी निजी जिंदगी को अपनी मर्जी से जीने का हक है, तो शादी के मामले में ऐसी रोक टोक क्यों? ओवैसी ने अपने अन्य ट्वीट में कहा कि बाल विवाह पर कानूनी प्रतिबंध होने के बावजूद आंकड़े बताते हैं कि हर चौथी शादीशुदा महिला की शादी की 18 की उम्र से पहले हुई थी, लेकिन बाल विवाह कानून के तहत सिर्फ 785 केस दर्ज हुए हैं। जाहिर सी बात है कि कानून की वजह से बाल विवाह में कोई कमी नहीं आई। अगर बाल विवाह आज कम हुए हैं तो उसकी वजह सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा की बेहतरी है। इसी के साथ बता दें आपको कि नौजवानों को नाबालिग बच्चों की तरह देखना बंद करना चाहिए, उन्हें अपनी जिंदगी से जुड़े अहम फैसले खुद लेने की इजाजत होनी चाहिए। इसलिए मैंने लोकसभा में एक विधेयक पेश किया था जिसके मुताबिक 20 साल या उससे अधिक की उम्र के नागरिकों को विधायक और संसद बनने का हक होगा। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन। धन्यवाद।